है एक बर्गर में, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया देन कोई ना कोई वो बंद की तरह उन्हें दबा देगा। बट वही यहाँ पे एक नॉक यहाँ पे देखने को मिले MGZ के, मार्क्स ने मेरे ख्याल से नॉकडाउन करा था एक प्लेयर को, बट यहाँ पे सूर्य क्लोज इन कर चुके हैं, दूसरा प्लेयर भी नॉकडाउन होता हुआ एक प्लेयर हो चुका था रिवाइव, तो दूसरा प्लेयर नॉक हुआ, कैरी अकेले अंदर और एक बंदा 1 HP है, सो दो प्लेयर अंदर है, कैरी इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर एंड उनको भी फिनिश करा कैरी, बट एक प्लेयर खा गए हैं MGZ के, वहां पे सूर्य को खाया उन्होंने एंड मेरे ख्याल से मार्क्स को भी खा चुके हैं वो, अगर हम यहाँ पे बात करें। यस मार्कोस गेमिंग के दो प्लेयर बचे बट वहाँ पे एक दो क्रूशियल किल्स वहाँ पे कैरी ने अपने लिए निकाले और यहाँ पे फनाटिक का स्क्वाड सामने टीम तमिलास के साथ लड़ता हुआ गोल्ड ब्लेड ने वहाँ पे किल कंफर्म करा और सोनिक फिनिश होता हुआ वहाँ पे स्वैग के स्प्रे से एंड यहाँ पे रेत को भी निकाल बाहर प्रोन डाउन कर रहा है एंड टॉप 5 टीम्स आर अलाइव, 13 प्लेयर्स हैं यहाँ पे और 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं मार्केट्स वाले मैच में, 7th फेज बनने वाला है। आप देखते हैं ये एक थोड़ा सा डिसीजन यहाँ पे मेकिंग जोन बनेगा सारे IGL के लिए, बट यहाँ पे टीम नंबर 6 दैट इज VSG क्रॉलर्स के थोड़ा सा पास जोन बनता हुआ, उनको स्मोक बॉल्स बना के कोई भी एक ट्री का बहुत प्यारा कवर बनाना पड़ेगा तभी इस वाले मैच में निकल सकते हैं, बिकॉज उनके आसपास कोई ऐसा कवर नहीं है जिसके ऊपर वो पूरा ट्रस्ट कर सके, बट उनके पास एक US खड़ी है जिसका वो एक कवर बना सकते हैं उस ट्री शैक पे बना के। यस वहां पे एक छोटा शैक है उसको यूज कर सकते हैं और इस वक्त किसी भी टीम के फेवर में नहीं जा सकता, बिकॉज जहां पे जोन जाएगा वहीं पे टीम जीतने की चांसेस बढ़ती है, बिकॉज फिनेटिक के बनी 4 जिंदा है, अगर वो धीरे धीरे रोटेट करना भी चालू करते हैं उनके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, बट सबसे पहले रोटेशन स्टार्ट करेगी टीम तमिलास और उनके जस्ट ऊपर इनसेन क्लैन भी, इनसेन क्लैन के ऑलरेडी बिकॉज 3 पे जिंदा है और वो भी काफी अच्छी पोजिशन में, बिकॉज वो अपनी हायर एज से रोटेट करते हैं तो लोअर एज के प्लेयर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेस्ट ने यहाँ पे देवेंद्र स्ट्राइकर को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है क्योंकि ये जो स्ट्राइकर है यहाँ पे तमिलास के उन्होंने अर्ली रोटेशन करी और हर बार ये टीम रोटेशन में ही मरती है, यहाँ पर VSG को रिवाइव करने की काफी जरूरत है। HB ने यहाँ पे स्प्रे का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया और नॉकआउट कर दिया, अब अकेले प्लेयर बचे यहाँ पे मैंटीओपी, अगर मैंटीओपी यहाँ पे अपने प्लेयर्स को रिवाइव नहीं कर पाते तो टीम तमिलास की काफी ज्यादा एग्जिट यहाँ पे हो जाएगी। VSG क्रॉल के HB यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, स्काई मुझे समझ नहीं आ रहा करने की क्या कोशिश कर रहे थे, बट पीछे से लेजेंड ने शानदार कवर दिया, VSG क्रॉलर के प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकआउट किया, वो 5th पोजीशन पे निकलते हैं नॉकआउट होकर, बट मैंटीओपी कंप्लीटिंग किल ऑफ HB एंड ओवेज भी यहां पर मर चुके हैं। फनाटिक को पहला एक कैजुअल्टी मिला है बट धीरे धीरे प्लेयर्स अपने क्रॉल कर सेफ जोन में जाने की कोशिश करेंगे। मैंटी ने स्ट्राइकर को रिवाइव कर दिया है तो अभी भी वो गेम से बाहर नहीं, बट रॉनक ने नेट मार के स्ट्राइकर को नॉकआउट कर दिया एंड ये जो यूटिलिटी यूजेज है ये अलग ही लेवल इनक्रेडिबल है। एश यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं, वो स्मोक में जाना चाहते थे बट अफसोस स्मोक छुए उससे पहले मैंटी ने उनको नॉकआउट करा, रॉनक भी खत्म हो चुके हैं एंड दिस जो टीम थी 4 प्लेयर की वो यहां पे खत्म होगी जस्ट बिकॉज जोन उनके बिल्कुल अगेंस्ट में था। बट जो तमिलाज ने एक बहुत अच्छी चीज करी कि लेफ्ट साइड में स्मोक बॉल बनाया और ऊपर से वेट कर, उनको पता था कि एक टीम ऐसी है जो जोन के बाहर निकलने के लिए उनको अर्ली निकलना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा वहां से, बट यहाँ पे हील बैटल करते हुए द डूड एक प्लेयर नॉकडाउन करा ऊपर इंसेंस स्काई को विद दैट मोलोटोव एंड यहाँ पे बट लेजेंड 1 HP निकालते हुए टीम तमिलास एलिमिनेट होती हुई 7 किल के साथ, फनाटिक जो टीम एडवांटेज भी, बट यहाँ पे टीम तमिलास यहाँ पे 8 किल निकालते हुए, बट यहाँ पे द डूड उनकी आखिरी फर्स्ट एड बची है एंड दिस विल बी 1 vs 2 सिचुएशन, यहाँ पे द डूड को निकलना चाहिए बाहर और दो प्लेयर उनके सामने बट एक बहुत बड़ा रन लगेगा उनको एंड FPP मोड में जा रहे, क्या बचेंगे नहीं बचेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम इन, बट यहाँ पे MGZ का स्क्वाड वापस से सेकंड पोजीशन निकालता हो, बट इनसेन को फाइनल सर्कल मेरे ख्याल से एक शॉकिंग लगा होगा, शॉक लगा होगा बिकॉज कि आखिरी में सिर्फ उनको प्ले जोन से मर गया, दिस वुड बी लाइक अ क्लासिक मैच एंडिंग फॉर टीम इनसेन। ये दूसरी बार हुआ है कि यहाँ पे से जो हमारी बैटल होने वाली थी लीग बैटल अफसोस फेल होगी एंड ट्रस्ट मी इस गेम से जस्ट पहले IDM नारुतो की भाई क्या सीन है, परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है एंड उन्होंने रिप्लाइड की क्राड भाई आपका छोटा भाई अब मारेगा और जैसे ही बोला और इस गेम में चिकन डिनर, लाइक क्या बात है, मतलब अपनी बात इज्जत रखी अपनी बात की, बट